फैक्ट्री बंद करें, विरोध करता हूं मैं, विरोध करता हूं, सब फैक्ट्री का विरोध करता हूं, विरोध करता हूं, समर्थन करता हूं, आप विरोध करें बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप लोगों की बात सुन, आपस में नहीं उलझेंगे, आपके पास हम सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि साथ हो जाइए शांतिपूर्वक, मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाएगी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, एक-एक करके आ रहे हैं, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए हमने आपके लिए व्यवस्था किया है, आपके लिए व्यवस्था किया है, आप उठा दे सकते हैं सर। इन्होंने याये में लिखा है कि आस पास के 10 किलोमीटर की रेडियस में कोई आरक्षित वन नहीं है, यहाँ कोई एलिफेंट कारी जो नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ यह कि वन विभाग यहाँ झूठ बोलता है, यह कि सरकारी कर्मचारी यहाँ झूठ बोलते हैं, जो कि कक्ष क्रमांक 836 वर्तमान में विगत अभी तक भारत किसी भी जगह पर ये नेशनल पार्क हो या सैंक्चुरी हो या एलिफेंट कॉरिडोर हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को नोटिफाई करता है, नोटिफाई करके वेबसाइट में भी डिस्प्ले करता है। अभी तक रायगढ़ में इसी एरिया में ऐसा कोई एलिफेंट कॉरिडोर को मिनिस्ट्री वेबसाइट में भी नहीं है, उसका लिस्ट में भी नहीं है। मेरा जो है पेड़ पौधा सब फूल ना फल कुछ नहीं खुलता है, 3-4 हो गया रद्द हो गया है, मेरे 20 में क्लोज सर्क्यूट कूलिंग सिस्टम मांगता है, इसमें पानी को पुनः उपयोग किया जाएगा, इससे कोई दूषित जल बाहर नहीं जाएगी, ये सब केंद्र कॉलिशन नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुसार किया जाएगा। वायु प्रदूषण सांस लेना मुश्किल हो गया है, जल प्रदूषण का है, आज बीमारी फैल रही है, मैं आपको आंखों सामने दिखाऊंगा, फोटोग्राफ लीजिए आप, मेरे हाथ में बिजली का निशान है, बिजली का निशान है। ये पूरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल केंद्र कॉलिशन नियंत्रण मंडल छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के नाम के अनुसार किया जाएगा। मैं विशेष मंत्री सलामत हूँ, मैं सिंगल रेजिस्टर से समर्थन करता हूँ। मैं मलय साहू रामूरा गांव से, मैं सिंगल रेजिस्टर ताजे का समर्थन करता हूँ। मैं गांव वाला ले की पूछना चाहता हूँ कि आईए रिपोर्ट ले एक महीना पहले नोटिस निकलते गांव वाला कब तक आदमी पता ये बता दो। मैं गंगा सागर की रात सिंगल मेरा जो अधिकारी हम मेहरबानी से वहाँ सिंगल इंटरप्राइज का समर्थन करता हूँ। ऊपर साथ साथ जो पॉइंट में आते ते पॉइंट में स्थानीय भाषा में मोहल्ला अनुवाद करके बता देते के जी बताइए बता दो। लोहा और बिजली सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जानते होंगे हमारे देश में 4.5 करोड़ टन लोहा साल में उत्पादन होता है, लेकिन चाइना देश में 45 करोड़ टन साल में उत्पादन होता है, तो हमसे वो लोग करीब 10 गुना ज्यादा लोहा उत्पादन करता है। जब तुम्हें ये सुनवाई के बारे में जब ये के बारे में जाना नहीं है तो वो विरोध कैसे करके करिए ये बता दो। विरोध हमको धुआं नहीं चाहिए, जिंदगी बचाना है, बस जिंदगी बचाना है, पेड़ पौधा बचाना है। आप इसी से समझ लीजिए देश के विकास के लिए कितना जरूरी है, उन लोग कितना आगे बढ़ गए।